ओके जी, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे जो बेसिक टास्क थे वो कंप्लीट हो गए हैं और हमने उनको वेरीफाई भी कर लिया है। हमने पहले वीलेंस बनाए, देन हमने उनमें नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या कर दी, असाइन कर दी, उनके नामों की डिस्क्रिप्शन हमने वहां पर दे दी। फिर हमने मैनेजमेंट वीलेन बनाया, मैनेजमेंट वीलेन के साथ हमारे कुछ जो कनेक्टिविटी थी उसमें थोड़ा सा इश्यू आया था, तो वहां पर हमने जो है उसको आईपी से रिजॉल्व कर दिया। देन उनकी आपस में जो है इंटरकनेक्टिविटी हमने चेक कर ली थी, यहाँ तक हम पहुंचे थे और ये वाले काम हमारे हो गए थे। यानी अगर राइट नाउ मैं देखूं तो मेरे पास पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या है इस वक्त, ऑपरेशनल है। यानी ये जो स्विचेस हैं हमारे पास, ये वाले स्विचेस आपस में सॉरी ठीक है जी, ये आपस में जो है कनेक्टेड हैं, और इनकी जो ट्रंक पोर्ट्स हैं इनमें हमने मैनेजमेंट वीलेन के अंदर पिंग करके देख लिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं, और नाउ ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी हमारे पास ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्या करना है हमने वो चीज देख लेते हैं हम। अब आप देखें कि हमारे पास बैक एंड पर तीन पीसीज हमने लगाए हुए हैं इस टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। और ये देखिएगा, एक वीलैन 10 से है जिसको हमने थर्ड ऑक्टेट के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास आपको 10 नजर आएगा, 172.17.10। ये हमने एक आइडेंटिटी आईपी के अंदर भी रखी है ताकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो या ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो हमारे लिए आसानी रहे। इसी तरीके से देखिएगा, वीलैन 20 है तो वीलैन 20 के अंदर भी हमने एक सिस्टम रखा है, और वो सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड ऑक्टेट है उसके अंदर आपको 20 की आईपी पर नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लास्ट में चलते हैं तो लास्ट का प्रोसेस भी हमारे पास सिंपल चला है कि थर्ड ऑक्टेट के अंदर हमारे पास 30 आ रहा है। अब हमने जो सेम वी लेंस हैं, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए है, और बाकी के वी लेंस एक दूसरे से क्या होंगे, आइसोलेट होंगे। यानी अगर मैं ये इस वक्त वेरीफाई करना चाहूं तो ये वाला जो पीसी है ये वी लेन 10 पर है, ठीक है ना। इसकी सिर्फ वी लेन 10 के पीसीज के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो PC4 है ये वीलैन 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसी चीज को हमने नाम दिया था आइसोलेशन का, कि ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इस कनेक्टिविटी को जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव विद टोपोलॉजी, ठीक है ना। और वहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक मौजूद है PC1, ठीक है जी। मैं जरा इसको जो कचरा मचा हुआ है, ठीक है जी, ये हमारे पास PC1 मौजूद है, और इसकी आईपी जो हमने देखी थी प्रीवियस डायग्राम के अंदर वो हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते और देख लेते कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखा आईपी कॉन्फ़िग कि हमें आईपी बता दी जाए। अब ये देखें कि ये हमारे पास चल रहा है वीलैन 10, नजर आ गया होगा आपको, 172.17.10.21 का पीसी है। और अगर इसको मैं आपको टोपोलॉजी के अंदर दिखाना चाहूं तो बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा, ये देखिएगा जी, ये नजर आ रही है आपको PC1 और 172.17.10.21, यानी 10 का पीसी है हमारे पास और उसके दरमियान हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। और इसके साथ जो हमारे पास पीसी कनेक्ट है वो ये वाला है PC4, यानी वीलेन 10 के अंदर। तो हम जरा कम्युनिकेशन वेरीफाई कर लेते, ये रहा, हमने आपको टोपोलॉजी में भी दिखा दिया और यहाँ स्क्रीन पर भी वेरीफाई करवा दिया है। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास इसका आईपी जो है वो आई थिंक 24 आ रहा है। 24 को हम पिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। लेट्स मूव, ठीक है। और हमने इससे कहा कि
भाई साहब आप पिंग करें 172.17.10.24। ये देखिएगा हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर हाँ बिल्कुल ये भी हम कर सकते हैं, ये देखिएगा, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया मुझे कि अगर हम S1 पर देख रहे हैं तो ये हमारे पास वहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होगी। हमने किया शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, या यूँ कर लेते हम शो इंटरफेस टेन कर देते हैं जी। अच्छा ये सॉरी मैंने गलत कमांड दे दी, मैं कुछ और देखना चाह रहा था। और खैर जी आते हैं, अब ये देखिएगा ये हमारे पास फैकल्टी का वी लेन था, ठीक है ना, और ये पोर्ट 18 से लेकर जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर चलते हैं, ये नाम की गलती होगी, ठीक है जी। ये देखिएगा ये पोर्ट्स देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल वी लेंस को असाइन है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वी लेन 10 आ रहा है उसके अंदर उसी हिसाब से पीसीस कनेक्टेड है, वी लेन 20 के अंदर उसी हिसाब से पीसीस कनेक्टेड, और फिर गैस के साथ यही प्रोसेस हमने किया है। तो इसको आपने हमने यहाँ स्विच पर भी आकर वेरीफाई कर लिया, और इसके साथ साथ जो है जो हमारे पास मामला चल रहा था पीसी का, वहां से भी हमने वेरीफाई किया, देन हमने उसको पिंग कर दिया। नाउ अब हम चलते हैं वीलैंड 20 की तरफ और वहां देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक पीसी हमारे पास चल रहा है वीलैंड 20 में, ठीक है। अभी जो वीलैंड 20 वाला पीसी है, ठीक है ना, आप इसकी पोर्ट देख रहे हैं कि ये पोर्ट नंबर 18 पर हमारे पास यहाँ कनेक्टेड है, और ये वीलैंड हमारे पास बन रहा है 20, ठीक है, जो कि हमने इसको डिफाइन किया था एज स्टूडेंट वीलैंड, और ये यहाँ पर कनेक्टेड। अब इसकी अगर हम दूसरे स्विचेस पर जाएं और हम इसकी कनेक्टिविटी देखें कि हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही, तो वो भी ओके होना चाहिए है, ठीक है। और इसको मैंने हटाया, और राइट नाउ मैं जाता हूँ इसी पीसी पर, और हियर इज, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा आप अपनी आईपी दिखा दें मुझे, आईपी कॉन्फिग, ये देखिएगा 20 का नेटवर्क है, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और जो हमारे पास आईपी दूसरे सिस्टम को हमने एलोकेट की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आप आसानी के साथ देख सकेंगे, ये देखें वीलैन 22 हमारे पास आ रहा है। तो चलते हैं हम इस आईपी को जरा पिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मामला आसान हो जाए, ठीक है। हमने लिखा पिंग, अब सेम वी लेंस हैं 172.17.20.22, ठीक है, और ये देखिएगा हमारे पास कम्युनिकेशन ओके चल रही है, कोई इस ऐसा जिसमें इशू हमारे पास नहीं आ रहा है, ना ही हमारे पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो हमने अब जो कम्युनिकेशन वेरीफाई की, वो कम्युनिकेशन हमने ये वेरीफाई की कि यहाँ से हमारे पास ये पीसीबी क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, इनके दरम्यान कम्युनिकेशन इजी वे चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी आईपी 22 थी और इसकी आईपी क्या थी, 25 थी। यहाँ पर हमने पहले आकर आईपी को वेरीफाई किया है, ये देखे हमारे पास पहले 25 की आईपी वेरीफाई हुई, और उसके बाद हमने उसको क्या करवाया, पिंग करवा के चेक कर लिया। अब जरा हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन हमारे पास वी लेंस के दरम्यान कम्युनिकेशन के क्या मामलात चल रहे हैं। सो लेट्स मूव विद द क्रॉस वेरिफिकेशन। सो ऊपर ही हमारे पास एक 10.20 का पीसी
मौजूद है। हम जरा इसको पिंग करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मामलात चल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं और हम कहते हैं कि हुजूरे वाला आप पिंग करें 10.21। अब कानून ये कहता है कि इसे पिंग नहीं करना चाहिए है, और क्योंकि एक वीलैन 20 के अंदर और दूसरा वीलैन किसके अंदर है, 10 के अंदर है। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब जो हमारे पास सेम वीलैन के दरमियान कम्युनिकेशन है, ये हमारे पास कहलाती है इंट्रा वीलैन राउटिंग, यानी दो सेम वीलैन्स के दरमियान कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंट्रा, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट वीलैन्स के दरमियान कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास कहलाता है इंटर वीलैन राउटिंग। तो इंट्रा वीलैन राउटिंग हमने वेरीफाई कर ली है हियर, ठीक है ना। और इसके बाद आगे जाके हम क्या करेंगे, बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर आने वाली लैब्स के अंदर हम कवर अप करेंगे कि हमारे पास जो इंटर वीलैन का प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो आई होप दैट कि यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन थी, उसके बाद बेसिक जो पोर्ट्स असाइनिंग थी, जो ट्रंक पोर्ट के कॉन्सेप्ट थे, वो हमने सारे क्लियर किए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास स्विचेस के मैनेजमेंट वी लेंस थे उनके दरमियान कम्युनिकेशन को हमने वेरीफाई करवाया है, फिर इंट्रा वी लेन जो राउटिंग थी उसको हमने वेरीफाई करवाया कि सेम वी लेंस के दरमियान हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, और जो डिफरेंट वी लेंस होते हैं बाय डिफॉल्ट उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती। आप ये कम्युनिकेशन इनेबल करवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इंटर वी लेन राउटिंग, और इनको इस इंटर वीलैन राउटिंग का प्रोसेस है इसको हम इंशाल्लाह आने वाली लैब्स के अंदर जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये फर्दर क्या मौजूद है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी।